पहले आप लोग बताइए कहाँ पे हैं? देवरीपुर में अपना नहीं पहुँचा है, उनको बता दूँ। मेहरबानी करके जो आप कर रहे हैं, आप चाहे किसी भी जात से हो, किसी भी माने धर्म के मानने वाले हो, उससे अपने को मतलब है। हम जो धर्म में मानने वाले हैं, और ख़ास करके मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ये मेरे ख़ानदान का बात है, और जो आप ये लेके घूम रहे हैं ये मेरे ख़ानदान की चीज़ है, और ये मैं इजाज़त पहली बात तो देता नहीं। क्यों? क्योंकि ये मेरी ख़ानदान की चीज़ है, आप नाजायज़ फ़ायदा उठा। बेशक बेशक। पहली बात। दूसरी बात ये है कि इस्लाम में ये चीज़ हराम है। बेशक। और अगर आप लोग के पास कोई दलील हो कि ये जायज़ है, तो आप बिल्कुल पहले दिखा दें, उसके बाद आप बिल्कुल जा सकते हैं, जहाँ जाना है आपको वहाँ जा सकते हैं। मेहरबानी यही होगी कि मेहरबानी करके आइंदा साल के लिए हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूँ कि हमारे मेरी ख़ानदान के ऊपर आप लोग जो है ये मजाक मत उड़ाओ, और अगर मजाक उड़ाना है तो मैं आप लोग से हाथ जोड़ के एक सवाल बस करता हूँ कि ये पूरे मजमे में अगर किसी का बाप मर जाए, और अगर वो ये ढोल ताशे के साथ अगर निकाल देता अपने बाप की या बेटे की या माँ की किसी की अर्थी, तो मैं उसकी ज़िंदगी भर गुलामी करूँगा। क्या आप लोग वो कर सकते हो? ये मेरी ख़ानदान का जो आप ढोल ताशे के साथ आ रहे हो, ये मेरे ख़ानदान के जो है सर लेकर के घूम रहे हैं, और ये मैं चीज़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी। तो मेहरबानी करके आइंदा साल की इसको ध्यान रखिएगा, है ना? और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस पर कायम रहेंगे, क्योंकि इससे जो है समाज को फायदा नहीं होने वाला, समाज जो है बर्बादी की तरफ जाते जा रही है, है ना? क्यों? क्योंकि हम लोग नासमझ है, पढ़े लिखे नहीं है। ये चीज किस चीज़ के लिए है पहले इसका सबूत लेकर के आइए, सोचिए समझिए कि ये चीज़ सही है कि गलत है, उसके बाद आप जो आपका मन करेगा आप वो करिए, बिल्कुल कोई रोकने वाला नहीं। तो मेरी गुजारिश है कि आप जैसे आए हैं उसी तरीके से आप वापस चले जाए, ठीक है? शुक्रिया, आपकी बात नहीं, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।